यदि आप हिंदी में पूरे का पूरे मार्क्स उठाना चाहते हैं, फुल मार्क्स उठाना चाहते हैं, पूरा नंबर उठाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि किसी भी बोर्ड परीक्षा के हिंदी के एग्जाम में नंबर फुल मार्क्स हिंदी में उठाने का, अच्छा मार्क्स उठाने का एकदम आसान तरीका बताऊंगा। गारंटी के साथ कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% हिंदी में पूरा का पूरा मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे गजब के तरीके हिंदी वाला बताऊंगा ना कि आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी, क्लास 10 के हैं चाहे क्लास 12 के हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे विद्यार्थी हिंदी में अच्छे रैंक लाएंगे, पूरा का पूरा फुल मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस टिप्स को समझने के बाद सारे विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। देखिए, वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं या फर्स्ट डिवीजन से अपना बोर्ड परीक्षा पास करना चाहते हैं, चाहे वो क्लास 10 का विद्यार्थी हो चाहे क्लास 12 का विद्यार्थी हो, यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे रैंक से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं या फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहते हैं, तो मैंने उसमें बताया था कि आपको करना क्या है कि बस किसी एक विषय को मजबूत करना। यदि किसी एक विषय को मजबूत कर लेते हैं और उसमें 80 प्लस नंबर आ जाता आपका या 90 तक नंबर आता, मतलब 80 प्लस यानी 80 के प्लस नंबर आ जाता है ना, तो 100% अपने बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन या अच्छा रैंक ला पाएंगे। किसी एक विषय को जो विद्यार्थी मजबूत कर लेता है ना, वो 100% अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा रैंक लाता है और वो फर्स्ट डिवीजन से हमेशा पास होता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हिंदी में पूरा मार्क्स उठाना है। यदि हिंदी में पूरा मार्क्स उठा लेते हो तो और सब विषय में कम आएगा तो चलेगा, बनेगा, इसमें फुल मार्क्स आपका 100% आना चाहिए। यदि आ जाता है तो आपका बोर्ड एग्जाम में मतलब रिजल्ट जो ना बहुत बेहतर हो जाएगा, और कहने का मतलब कि एक अच्छे रैंक को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं आखिर हिंदी में कैसे फुल मार्क्स उठाने, क्या करना है हिंदी में फुल मार्क्स उठाने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि यदि आप चाह रहे हैं कि क्लास 10 या क्लास 12 के विद्यार्थी, चाहे किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी, बिहार के हैं चाहे यूपी के हैं चाहे उत्तराखंड के, झारखंड के, किसी भी बोर्ड के आप हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और तरीका को समझिए करना क्या। सबसे पहले हिंदी में फुल मार्क्स उठाने के लिए आपको पुराना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना है। अब पुराना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मतलब मान लीजिए यदि आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो 2024 में जो एग्जाम हो चुका है हिंदी का, वो क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और क्वेश्चन पेपर उठाकर आपको समझना कि पैटर्न क्या करिए और क्या नहीं करिए। यानी कहने का मतलब कि अगर 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो इसके ठीक पिछले वाला साल 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का जो पुराना क्वेश्चन पेपर, उसको उठाकर उसको समझना, यानी पैटर्न को समझना है किस किस टाइप से प्रश्न करता है और हर साल कैसा कैसा प्रश्न करता है, क्या क्या पूछता है, मतलब पैटर्न को सबसे पहले समझना है। ठीक है, किसी एक बोर्ड के पैटर्न की मैं चर्चा कर रहा हूं, उसी के आधार पर आपको समझना है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपने किसी भी मतलब किसी भी साल का 2024 का या 2023 का किसी भी साल का आपने पुराना क्वेश्चन पेपर हिंदी का उठा लिया और आप देख रहे हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न किया है, उसमें देख रहे हैं किताबी प्रश्न किया है, उसमें देख रहे हैं कि निबंध किया है, उसमें देख रहे हैं कि गद्यांश किया है, उसमें देख रहे हैं कि आवेदन पत्र लिखने के लिए दिया है, उसमें देख रहे हैं कि संक्षेपण किया है, मतलब पैटर्न को देखना है, पैटर्न को देखकर समझना है कि आखिर हर साल किस टाइप से प्रश्न हिंदी में करता है। मतलब इस बात को जो दिमाग में बैठा लेगा ना, वो 100% बोलो हिंदी में पूरा मार्क्स लाना, अब भारी बात नहीं, एकदम आसानी से आप ला सकते हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि लगाना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले पुराने साल का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर लेकर, उस पैटर्न को समझिए कि आखिर उसमें क्या क्या हर साल प्रश्न करता है। जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, बिहार बोर्ड का आप अपने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर लेकर पैटर्न को समझिएगा। बिहार बोर्ड का एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, देखो बिहार बोर्ड के हिंदी का पैटर्न में क्या होता है कि 100% मतलब उसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव करता है, जिसमें 85 गो ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, फिर किताबी प्रश्न कुछ आता है, फिर निबंध लिखने के लिए आता है, कुछ गद्यांश आता है लिखने के लिए हिंदी में, उसके बाद हिंदी में आवेदन पत्र भी लिखने के लिए आता है और संक्षेपण भी लिखने के लिए आता है। यानी बिहार बोर्ड के हिंदी के पैटर्न में, क्वेश्चन पेपर में, इन्हीं सब सातों में से प्रश्न आएगा, बाहर ही नहीं आएगा। तो आपको भी अपने बोर्ड को, अपने बोर्ड के पुराने जो क्वेश्चन पेपर, उसको उठाकर देखना है कि क्या आपके आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, क्या आपके एग्जाम में किताबी प्रश्न आता है, क्या आपके एग्जाम में निबंध आते हैं, क्या आपके एग्जाम में गद्यांश आते हैं, क्या आपके एग्जाम में आवेदन पत्र आते हैं, क्या आपके एग्जाम में संक्षेपण आते हैं। अगर आते हैं तो फिर कैसे कैसे पूरा मार्क्स हिंदी में उठाना है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। यदि आपके एग्जाम में, आपके हिंदी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो आपको हिंदी के किताब और व्याकरण का कुछ इंपॉर्टेंट 1-1.5 ऑब्जेक्टिव छांटना होगा, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव करेगा हिंदी में उसको बढ़िया से रिवाइज कर सके। अगर हिंदी में मार्क्स पूरा उठाना चाहते हैं तो बाबू आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव मान लीजिए 30 गो, 20 गो, 25 गो, 15 गो, 10 गो ऑब्जेक्टिव कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव। अगर नहीं कर पा रहे तो आप अपने ऑफलाइन टीचर्स ले सकते हैं इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव हिंदी का, ऑनलाइन भी टीचर्स ले सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ले सकते हैं,
व्यक्ति आप पर डिपेंड करता है। यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज करिए, क्योंकि अगर 1-2 हज़ार ऑब्जेक्टिव नोट्स बना लेंगे तो क्या आसानी से आपका 10-15-20-30-40-50 ना लड़ेगा ऑब्जेक्टिव, 100% लड़ जाएगा। ठीक, पहला ये। यदि आपके एग्जाम में किताबी प्रश्न करते हैं, किताबी प्रश्न, तो किताबी प्रश्न कुछ मतलब क्या है कि जैसे बिहार बोर्ड में 10 गो प्रश्न देता है, 2 नंबर यह, तो 5 ही गो प्रश्नों का जवाब देना होता है, 5 ही गो आधा छोड़ना होता है, और ऐसा लगभग ऐसा हर बोर्ड में होता भी होगा। मेरे कहने का मतलब है कि किताबी प्रश्न यदि पूछता है तो किताब आपको पढ़ना होगा, मतलब किताबी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको किताब भी पढ़ने होंगे। और किताब क्या, अगर बता रहे कि 2 नंबरिया प्रश्न हिंदी में करता है तो वो कुछ करना नहीं है। अगर 30 से 40 गो या 10 से 20 गो या 50 गो, लगभग 50 गो मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको 20 को 2 नंबरिया प्रश्न कर देता है, मान लीजिए आपका 10 को 2 नंबरिया प्रश्न करता है, तो आपको हिंदी के किताबी प्रश्न का इंपॉर्टेंट 2 नंबरिया 30-40-50 को छाट के उसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो क्या आपका किताबी प्रश्न ना लड़ेगा, लड़ जाएगा, 100% आपका लड़ जाएगा पूरी गारंटी के साथ। यानी कहने का ये मतलब कि किताबी प्रश्नों का जवाब आपको देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट किताबी प्रश्न छाट लेने, उनको रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में निबंध करता तो निबंध तो सब कोई लिख सकता है, मान लीजिए आपको दे दिया महात्मा गांधी पर निबंध लिखने के लिए, शिक्षा पर दे दिया, कंप्यूटर पर दे दिया, कोविड-19 पर दे दिया, मेरे प्रिय शिक्षक पर, अनुशासन पर दे दिया, मतलब किसी पर भी दिया तो उसके बारे में लिख देना होता है। तो आपको देखना कि यदि आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध आते हैं तो निबंध का रिवाइज करना, निबंध की तैयारी कर लेना, 100% निबंध लगभग 10 नंबर के आते हैं सारे बोर्ड में। ठीक है, तो निबंध कर लेना। उसके बाद आपके एग्जाम में गद्यांश आते हैं, गद्यांश का मतलब क्या होता है, भाषा लिख कर दिया रहेगा और उसी समय क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कहने का गद्यांश का मतलब गद्यांश कुछ गद दिया रहेगा उसको पढ़ लेना है और उसी से संबंधित प्रश्न दिया रहेगा और उस प्रश्न को उसी में से खोज के आंसर लिखना होता है। और ये लगभग 10-15-20 नंबर तक गद्यांश हर बोर्ड में लगभग करता है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश वाला प्रश्न देता है ना, तो इसका मतलब गद्यांश का भी तैयारी कर लीजिए, उसके सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, 15-20-13 नंबर आसानी से आ सकता है। ठीक है, गद्यांश तैयारी। उसके बाद यदि आपके एग्जाम में आवेदन पत्र करता है तो आप आवेदन पत्र लिखना सीख लीजिए, कि मतलब आवेदन पत्र लिखना सीखिए, कैसे आवेदन पत्र किसी को भी लिख सकते हो, और आवेदन पत्र तो आजकल छोटा बच्चा भी लिख लेता है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और सर्च मारिएगा कि आवेदन पत्र कैसे लिखिए जेपी सुपर स्कूल, तो आपको हर वीडियो उपलब्ध रहेंगे, भले निबंध का हो चाहे संक्षेपण का हो चाहे किताबी प्रश्न का हो चाहे कोई भी, हर तरह का तरीका यहाँ पर बताया जा चुका है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, कैसे संक्षेपण लिखना है, कैसे आवेदन पत्र लिखना है, कैसे गद्यांश लिखना है, कैसे निबंध लिखना है, कैसे किताबी प्रश्नों का जवाब देना है, कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट गेस कहाँ से लेना है, सब चीज का सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर दे चुका हूँ। ठीक है, यानी गद्यांश अगर दे रहा तो गद्यांश की तैयारी करिए। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आवेदन पत्र करता है तो आप आवेदन पत्र लिखना सीख लीजिए। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में संक्षेपण लिखता है, संक्षेपण मतलब क्या होता है, कुछ गद आपको दिया रहेगा उसको पढ़ के संक्षिप्त रूप में लिख देना संक्षेपण कहलाता है, मतलब बड़ा रूप में दिया रहेगा उसमें से मेन टॉपिक चुनकर छोटा रूप में लिख देना संक्षेपण कहलाता है। तो लगभग यदि मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है तो ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 1-2 हज़ार इकट्ठा कर लीजिए। यदि आपके हिंदी में किताबी प्रश्न करता है 40-50 तो किताबी प्रश्न इकट्ठा करके रिवाइज कर लीजिए। यदि आपके एग्जाम में निबंध करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट निबंध छाट के उसके बारे में पढ़ लीजिए, यानी कि निबंध तो आसानी से कोई भी लिख सकता है तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके एग्जाम में गद्यांश करता है तो गद्यांश भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गद्यांश का मतलब होता है उसी में से चुन चुन कर लिखना, कुछ गद दिया रहेगा और उससे रिलेटिव उससे संबंधित आपको प्रश्न दिया रहेगा उसको पढ़ पढ़ के सॉल्व कर देना होता है। ठीक है, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आवेदन पत्र दिया है तो आवेदन पत्र दिया तो उसको लिखना सीख लीजिए, कैसे आवेदन पत्र लिखना, आसानी से एक आवेदन पत्र लिख लीजिए उसी आधार पर सब लिख सकते हैं। तो आवेदन पत्र लिखना सीख लीजिए, संक्षेपण लिखना सीख लीजिए, 100% आपका पूरा नंबर आ जाएगा। मैंने बोला था कि यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता, सोचिए 50 को ऑब्जेक्टिव करता है, तो अगर मान लीजिए हम 1000 ऑब्जेक्टिव इकट्ठा कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, 40 को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ेगा, लड़ जाएगा। किताबी प्रश्न मान लीजिए हम 10 को का जवाब देना 50 को कर लेते, क्या 10 को आपका नहीं लड़ेगा, मान लीजिए उसमें से आपका 7-8 गो लड़ गया तो 7-2 14 नंबर का लड़ गया। फिर निबंध मान लीजिए आपका 10 नंबर का 8 नंबर दिया, गद्यांश मान लीजिए आपका 20 नंबर का आते इसमें 18 नंबर दिया, मतलब आवेदन पत्र 5 नंबर का जिसमें 4 नंबर मिला, संक्षेपण मान लीजिए आपका कितना नंबर का, मान लीजिए संक्षेपण आपका है 6 नंबर का या 5 नंबर का या 4 नंबर का, तो मान लीजिए 3 नंबर वहाँ पर मिल गया। ठीक है ना, अब इसको जोड़ कर देखिए कि आपका 80+ नंबर नहीं हो पाएगा क्या, देखो 40, ठीक है ना, 40 14 54 54, यहाँ पर 8 अगर इसको जोड़ते हैं 54 8 62 62 18 यहाँ पर ऐड करते हैं तो 62 18 80 80 4 कितना 88 नंबर के आसपास आ जा रहा है, तो 80+ नंबर आ गया। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि अगर हिंदी में आपको 80+ नंबर आ गया और सब विषय में मान लीजिए 40 40 कोनो 50 आ गया, ठीक है, कोनो मान लो कि आपका फिर 40 से आ गया, एम आपका 90 नंबर या 80 नंबर
लेकर चलो ठीक है। तो इसको जोड़ के देखो कितना चढ़ती है, 12, 12, 8, 20, 250 हो गया। अब प्रैक्टिकल 20, 20, 40 नंबर का होता है, तो प्रैक्टिकल अगर 20, 20, 40 नंबर का आपका है तो मान लीजिए उसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिल गया, तो यहाँ पर नंबर पूरा काटते हैं क्या है, 20 से 20 नंबर आपका आएगा ठीक है ना। है क्या मान लीजिए कि यहाँ पर है 40, 40 जोड़े हैं ठीक है, ये 40 को ऑब्जेक्टिव जोड़ लिया है, ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव अभी हटा के बात बोल रहे हैं ठीक है ना। ये 40, 40, 40 120, 80, 200, 200 यहाँ 50, तो 50 को नहीं को भी समझोड़े, मान लीजिए हयू में तो 50 आ सकता है, हयू में तो 50 सकता है, जोड़ी कि इसमें 40 आएगा इसमें 60 आ सकता है। तो अगर इस प्रकार से कोई एक विषय मजबूत होगा ना तो 300 तो आसानी से क्रॉस कर जाएगा ठीक है ना। 300 किसी का बाप नहीं रुकेगा, अगर 500 का आपका बोर्ड एग्जाम में परीक्षा होता है। इसका कहने का ये मतलब सीधा सा है कि यदि आप किसी एक विषय को मजबूत कर लेते हैं तो आसानी से आप अपने बोर्ड परीक्षा में 300 क्रॉस तो कर ही जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन से अच्छा नंबर ला ही पाएंगे।